हेलो एवरीवन, आई एम शिखा जैन और आज की वीडियो में सीए फाइनल के सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात करते हैं। अब लॉ का प्रोविजन हम आज पढ़ तो लेते हैं, अच्छा भी लगता है, समझ भी आ जाता है, पर परसों तक भूल जाते हैं। और अगर उस प्रोविजन में पेनल्टी या लिमिट्स हो ना, तो वो आधे घंटे भी याद नहीं रहती है। अब लॉ को पढ़ना कैसे है ताकि आखिरी दिन तक वो हमें याद रहे, मल्टीपल रिविजन इंश्योर हो पाए। और मुझे तो ये सब्जेक्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, लॉ। और अच्छा, हाँ भाई, लगता था। इसको कैसे अच्छा बनाया मैंने, कैसे याद रखा, वो समझते हैं। अब मैं कुछ चीजें जल्दी से बता देती हूँ। मैंने लेक्चर्स नवंबर 21 में लिए थे और 2 महीने में मेरे लेक्चर्स हो गए। और जून 22 में मैंने पढ़ाई चालू कर दी। 6 महीने बाद कुछ याद नहीं रहता है, पर ये पता था किस मटेरियल से पढ़ना है। अगर लॉ में आईसीए के मॉड्यूल से डायरेक्टली आप पढ़ पाए तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। पर समस्या क्या आती है ना, मेरे साथ भी यही हुआ था कि मॉड्यूल में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, और सेक्शन किस सीक्वेंस में सेक्शंस को याद करना है। मतलब मॉड्यूल में सब कुछ एक जैसा लगता है, तो उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे ऑथर की बुक लेना जिसमें 100% ऑफ द चीजें कवर्ड हो, क्योंकि लॉ में सिलेक्टिव नहीं जा सकते। पेपर कहीं से भी बन रहा है, शुरू के प्रोविजन, एंड एंड के प्रोविजन सब कुछ पूछ रहे हैं। तो 100% ऑफ द चीजें जिस बुक में कवर्ड हो वो उस बुक से ही पढ़ना। तो मेरे पास रिसोर्सेस क्या क्या थे, मैंने किन को रिफर किया। सबसे पहले उन्हीं फैकल्टी की बुक थी और क्वेश्चन बैंक था, देन आईसीए का मटेरियल और उसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, उसके बाद आईसीए की एमसीक्यू बुकलेट और प्रीवियस 3 आरटीपीज, एमटीपी सीरीज जो एग्जामिनेशन के लिए है, और 2 to 3 past एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स। अब मैं रोज 4 to 5 hours पढ़ा करती थी, तो मेरा प्री डिसाइडेड था कि मुझे 30 pages एवरी डे पढ़ना है। और मतलब 6 pages पर आवर के हिसाब से मैं पढ़ लिया करती थी। अब कोई चैप्टर हो जाता था तो फिर मैं मॉड्यूल से वापस पढ़ा करती थी, क्योंकि मुझे इंश्योर हो जाए कि कुछ भी चीज़ छूटी नहीं हो। और किस किस चीज़ में मुझे कन्फ्यूजन है, उसमें मॉड्यूल में बहुत अच्छा सॉल्व होता है वो कन्फ्यूजन, और मैं सब कुछ कवर करके जाऊँ। अब रिसोर्सेस तो हमने इकट्ठा कर लिए, याद कैसे करना है, तो इसके लिए पॉइंटर्स में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यूमुलेटिव रिवीजन। हम कोई सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्रोविजन पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, एंड देन याद करके 2 3 बार वापस सोचते हैं। ऐसे 5 सेक्शन पढ़ लिए, उसके बाद फर्स्ट टू फिफ्थ सेक्शन एक साथ रिवाइज कर लिया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिविजन। एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 8 9 पेज पढ़ने के बाद वो 8 9 पेज इकट्ठे रिवाइज कर लिए। अब इस रिवीजन में आपको वापस पढ़ना नहीं है, वापस पेज नहीं पलटाने, आपको रिकॉल करना है कि आपको उन सेक्शंस में क्या क्या याद है, क्या क्या पढ़ा था। जो याद नहीं है वो वापस पढ़ लेना, और वापस से इफ पॉसिबल एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेना। चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर को वापस से रिकॉल करने की कोशिश करना। इससे आपको वो चीजें पता लग जाएगी जो आपको याद नहीं है, आपको एम्फेसाइज करने की ज्यादा जरूरत है, और पूरा चैप्टर ना लिंक होने लग जाएगा, सेक्शन नंबर अपने आप याद होने लग जाएंगे। जो चीज हम आज पढ़ते हैं उसको आज ही रिवाइज कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि हमें ज्यादा दिन तक याद रहेगा। मैंने चैप्टर्स को इतनी बार रिकॉल कर लिया था, इतनी बार क्यूमुलेटिवली रिवाइज कर लिया था कि मुझे एग्जाम में कोई कॉन्सेप्ट आता था तो समझ याद आने लग जाता था कि ये इस चैप्टर में इस पेज के इस साइड पे लिखा हुआ है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने रिविजन उतना याद, जितने रिविजन उतना याद। अब जिस टॉपिक को जितनी बार पढ़ोगे ना वो उतने अच्छे से आपको याद रहेगा, पर इतना टाइम होता नहीं है कि एक ही टॉपिक को बार बार अच्छे से रिवाइज करते रहे। तो मैं क्या करा करती थी ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पीएमएलए पढ़ा, 3 4 घंटे में अच्छे से पढ़ा, एंड एक हफ्ते बाद इकोनॉमिक लॉ खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट डे मैं पीएमएलए एंड ऑफ द डे 20 25 मिनट्स में रीड कर लिया करती थी पूरा चैप्टर। रीड करना है, पढ़ना या याद नहीं करना, केवल रीड करना है, और रीड काफी जल्दी हो जाता है। अगर मैंने पीएमएलए के बाद आईबीसी पढ़ा हुआ होता तो मैं नेक्स्ट डे आईबीसी रीड करती 20 25 मिनट्स में, जितने पेजेस हो जाए। तो ऐसी साइकिल चलानी है, आज जो सब्जेक्ट, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको एक हफ्ते बाद रीड करना है, वापस से एक हफ्ते बाद रीड करना है। और एग्जाम के पहले ये 2 3 बार भी ऐसी रैंडम रीडिंग की साइकिल चल गई ना, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो पूरा ही दिमाग से निकल गया हो, बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया हो। जो चीजें ब्लर होने लग जाती है वो इस साइकिल से रिफ्रेश होने लग जाएगी। आपका जो मेन रिवीजन है, मेन रिवीजन तो आपका रहेगा ही, और आप ये रैंडम रिवीजन से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक और चीज हेल्प करती है वो है हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लॉ के सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत प्रोसेसेस हैं और सेक्शंस भी प्रोसेस के थ्रू लिंक्ड है। तो अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल बना ले चैप्टर के शुरू से जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस
लिंक हो जाए और सेक्शंस कवर हो जाए तो बहुत हेल्प मिलती है सेक्शन का सीक्वेंस याद करने में, सेक्शन नंबर याद करने में, प्रोविजन याद करने में भी। फॉर एग्जाम्पल आईबीसी में कोई दिवालिया पेशवर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मैंने सर्च किया था एग्जाम्पल तब बनाने के लिए। मेमोरेंडम बना रहा है, असेट्स मैनेज कर रहा है, प्लान ले रहा है, प्लान प्रेजेंट कर रहा है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो सिचुएशन इमेजिन करने के लिए एंड सीक्वेंस रिमेम्बर करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कस, और अगर कोई नहीं मिले ना डिस्कस करने को तो सिंपली एक्सप्लेन टू योर सेल्फ, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, खुद को समझा लो। जो हम रीड करके रिटेन नहीं कर पाते ना, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि डिस्कशन के थ्रू हम रिटेन कर लेंगे। तो जो टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगता हो, टफ लगता हो, उसको किसी के साथ डिस्कस कर लिया या उसको खुद को ही समझा लिया। मैंने रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करा था एंड एंड तक मुझे उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आया क्योंकि मुझे वो डिस्कशन याद आ जाता था। तो डिस्कशन हेल्प करता है एंड तक याद रखने में और आपका कंफ्यूजन दूर करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस मोर। आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। लॉ जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, कई बार हमसे प्रोविजन में कुछ माइन्यूट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, दो तीन बार पढ़ने के बाद भी वो कैच नहीं कर पाते, पर वो क्वेश्चंस में इजीली कैच हो जाते हैं। और तो क्वेश्चंस में नई चीजें भी पता पड़ती है, क्लैरिटी भी मिलती है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कुछ नया पता लगे तो उसे अपनी अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लिया। एमसीक्यू बुकलेट में से एमसीक्यूज बार बार सॉल्व मत करना, कुछ जहाँ पे नया पता पड़े उसको वापस से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि आप अपनी कॉपी को ही डायरेक्टली वन लाइन में रिफर कर सको कि वो एमसीक्यू में क्या नया था, क्या आपको नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सेक्शन नंबर कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, टाइम पेनल्टीज कैसे याद करें, लिमिट्स कैसे याद करें। तो सेक्शन नंबर की बात की जाए तो कंपनी लॉ में मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, पर वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे याद हो जाएगा, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना याद होता जाएगा। ऐसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि ये सेक्शन इसका, ये सेक्शन इसका। रिवीजन के टाइम याद हो जाएगा, सीक्वेंस में दिए होते हैं, इजी होता है याद करना। बाकी इकोनॉमिक लॉ में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शंस अगर कर लिए तो सफिशियंट है, सारे सेक्शंस दिए भी नहीं गए चैप्टर में, थोड़े से बिखरे हुए से भी हैं, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करना काफी रहता है। फाइन्स पेनल्टीज और लिमिट्स की बात की जाए तो अगर 6-7 मार्क्स की भी रिस्क नहीं लेनी है तो हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट फाइन्स पेनल्टीज निकाल ली, 4-5 फाइन्स पेनल्टीज निकाल ली डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर साइज, और उसकी एंड में समरी बना ली, नोट डाउन कर लिया। तो ये आपके रिविजन में हेल्प करेगी, क्विकली आपने देख लिया आपके चार्ट को, और एग्जाम के एक दिन पहले भी हेल्प करेगी। जब प्रोविजन पढ़ रहे होते हैं तब मैं तो क्या स्टोरी बना के चलती थी, अच्छा ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो ये फाइन या पेनल्टी लगेगी, तो इतनी ज्यादा लगेगी या इतनी कम लगेगी, तो कुछ कुछ तो मुझे तभी याद हो जाती थी और कुछ कुछ मैं समरी से लर्न कर लिया करती थी। एंड अगर नहीं भी याद रहे तो इसमें इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि इतना ज्यादा याद रखना पॉसिबल है भी नहीं और इतना ज्यादा मार्क्स कवर भी नहीं करता है। सो दैट वॉज हाउ आई यूज टू रिमेम्बर लॉ, और मैंने एंड तक कैसे याद रखा, कैसे क्या टेक्निक्स यूज करी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।